Hello and very good evening to all of you. This is Dr. Saurabh from Department of General Surgery, RIMS Ranchi. एक जो ट्रेडिशनल वे है पढ़ाई का उस पर हम लोग आज बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट अब इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं. अगर आप नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस मेथडोलॉजी को फॉलो करें और इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाली है. तो अगर हम लोग अपना बचपन याद करें ना, तो उस टाइम पे क्या होता था, चीज़ें समझ में नहीं आती थी लेकिन चीज़ें याद हो जाती थी, है ना. चीज़ें समझ में नहीं आती थी लेकिन चीज़ें याद हो जाती थी. पोएम बहुत कम समझ में आता था फिर भी रट लेते थे, है ना. क्लास टेन तक तो यही चलता रहा, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई फिर भी रट लिया, वहाँ पर आंसर करके आ गया, क्लास में 80-90% आ गया. तो उस टाइम के लर्निंग में और अभी के लर्निंग में जो मेन डिफरेंस है, हम लोग जब चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग उसको बहुत साइलेंटली पढ़ते हैं, मन में पढ़ते हैं. दिस इज़ ऑल्सो गुड हैबिट, ये ख़राब बात नहीं है. बट अगर सेम चीज़ को, है ना, अब पूरा दिन भर तो चिल्ला के हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. तो जब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो या आपको लग रहा हो कि चीज़ें याद नहीं हो रही है, तो आपको उसको बहुत ही लाउडली रीड करना है, है ना. और इतना लाउड होना चाहिए ताकि सामने वाला जो आपके पास रूम वाला है वो डिस्टर्ब हो, ठीक है. और जोक सपाट, मतलब उस चीज़ को आप इतना लाउडली बोले ना, वो चीज़ आपके दिमाग में गूंजे, है ना, रेजोनेंट करे. तो जब वो चीज़ रेजोनेंस होगी ना, तो चीज़ें याद होने लगेगी. और यही चीज़ हम लोग बचपन में फॉलो करते थे और चीज़ें याद होती थी. अभी मैं एक साल पहले की बात बता रहा हूँ और मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि शायद वो इस वीडियो को देखेंगे. वो बोल बोल के पढ़ते थे तो हम लोग मजाक बनाते थे, यार क्या ये सुबह सुबह उठ करके बोल के पढ़ता है. और विश्वास माने, मतलब वो अपने बैच के सबसे अच्छे स्टूडेंट निकले जब रिज़ल्ट आया और अपियरिंग में उन्होंने MCH भी क्लियर किया, है ना. बहुत सारे लोग हंसते थे, मजाक बनाते थे, यार क्या ऐसे बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं ना. तो यहाँ पे मोटो वही था, जब आप चीज़ों को बोल के पढ़ेंगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगी, है ना. तो जिनको भी याद करने में दिक्कत हो रही है, पढ़ाई स्टार्ट करने में दिक्कत हो रही है, आप कुछ ना करें, रूम को लगाए और आप 15 मिनट में 2 से 2.5 पेज, है ना, ज़्यादा नहीं, 2 से 2.5 पेज पढ़ना है. और अगर आपको याद करने का मन नहीं भी कर रहा है ना, तो बस चीज़ों को आप बोलना स्टार्ट करें तो चीज़ें याद होनी स्टार्ट होंगी. और एक समय ऐसा आएगा कि चीज़ें आपको समझ में भी आएगी. अगर समझ के याद करें तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है. बट बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अभी मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अभी 12:00 बज रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, किताब खोलूँगा फिर देखूँगा तो होगा क्या, उस पर कभी उस पर कंसंट्रेशन जा रहा है, कभी मन कर रहा है सो जाऊँ. उसी चीज़ को मैं अगर 15 मिनट बहुत ज़्यादा तेज बोल करके पढ़ लूँ ना, तो शायद हो सकता है उसमें से 30-40% मैं ग्रेस्प कर लूँ. तो मोरल ऑफ द वीडियो, आपको चीज़ों को बोल करके पढ़ना है और उसी चीज़ों को बोल के पढ़ना है जिसको आपको याद करने में दिक्कत हो रही हो, है ना. मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग टाइम बेस्ट होता है, उस टाइम आपका माइंड फ्रेश होता है. 6 बजे से स्टार्ट करें, 8-8:30 तक बोल बोल के पढ़ाई करें तो चीज़ें याद रहेगी. Have a great day ahead. Meet the next video. Mein.